हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और सबसे पहले तो इंडिया के इस फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इसमें ब्लू कलर के नेशंस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, यानी कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पूरे ग्लोब के साथ हमारे अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस है। और अब जरा डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना के फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इन मैप्स में रेड एरियाज अनफ्रेंडली या फिर नॉन एग्जिस्टेंट रिलेशंस दर्शाते हैं। तो यहां पर इन मैप्स का मतलब यह है कि किसी के भी इंडिया जितने अच्छे रिलेशंस नहीं है। बट क्या लगता है आपको, क्या ये इंडिया की कोई ग्लोबल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है? क्योंकि सीधी सी बात है, इतने अच्छे रिलेशंस फ्लूक से नहीं हो सकते, राइट? वेल, इसके पीछे की बात ये है कि हिंदुस्तान ने इन रिलेशंस को बनाने के लिए कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजिक डिसीजंस लिए हैं जो दूसरे देशों ने अब तक नहीं लिए। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं ना, तो ये पता चलता है कि ये डिसीजंस आज के तारीख के तो है ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से भारतवर्ष में हो रही थी, फर्स्ट सेंचुरी एडी से। इंडिया ने ट्रेड करना और इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना एंशियंट टाइम से ही शुरू कर दिया था। और फर्स्ट सेंचुरी एडी की बड़ी सिविलाइजेशंस जैसे कि रोमन एम्पायर, पार्थियन एम्पायर और चाइनीज किंगडम्स के इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट एक बात बताता हूं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक पेरिप्लस बुक है। ये वो बुक है जिसमें पोर्ट्स और डॉक्स की जानकारी को इकट्ठा करके रखा जाता था। इस बुक के हिसाब से फर्स्ट सेंचुरी एडी के ट्रेड के दौरान इंडिया से स्पाइसेस, मेटल्स, क्लोथ्स और प्रीशियस स्टोन्स यानी कि हीरे मोती जैसी चीजें रोमन एम्पायर तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। और इसी थ्राइविंग ट्रेड की वजह से इंडिया इतना अमीर हो गया था कि एक पॉइंट पे इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज थी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ ट्रेड ही थ्राइव नहीं हो रहा था, बल्कि उसके साथ ऑफकोर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस की नींव बनना भी शुरू हो चुका था। सो इसका मतलब था कि ट्रेड था, रिलेशंस थे, यानी कि चीजें अच्छी चल रही थी। और अब जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो डिस्टर्ब करना बनता ही था। सो इतना सारा पैसा देकर इंडिया में इन्वेडर्स आना शुरू हो गए, जो बिन बुलाए मेहमान बनकर यहां पर आते, अटैक करते और लूट कर चले जाते थे। और वक्त के साथ साथ इन इन्वेडर्स को देखकर दूसरे देशों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई, और देखते ही देखते इंडिया में भी कॉलोनियलिज्म आ गया, जिसने इंडिया को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, और आज की तारीख में भी हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो हमारे देश के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो क्वाइट सरप्राइजिंगली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कमजोर होने के बावजूद भी इंडिया ने उस वक्त इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे कॉलोनाइज देश जैसे कि इंडोनेशिया और मल्टीपल अफ्रीकन देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। अब एक देश के लिए किसी दूसरे देश के इंडिपेंडेंस में मदद करना एक बहुत ही बड़ी और नोबल बात होती है, और इसीलिए ये देश आज भी इंडिया के हित में ही सोचते हैं। अब क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें काफी नई थी और हम एक साथ काफी सारे एरियाज में डिसीजंस ले रहे थे, उन्हीं में से एक था हमारे फॉरेन रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करने का नेक्स्ट मेजर फैक्टर, इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1980s तक इंडिया में डिरिगिज्म के इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें प्राइवेट कंपनीज के बिजनेसेस में गवर्नमेंट हेविली इन्वॉल्व होती है और उनके एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाने पर रोड ब्लॉक्स लगा देती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट के इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट यानी कि थम सी गई थी। और अब यहां पर एक तरफ जहां पे इंडिया की इकोनॉमी डगमगा रही थी, वहीं पर लेट 80s आते ही सोवियत यूनियन का पूरा वजूद ही डामाडोल हो चुका था। ये वही सोवियत यूनियन था जो एक समय में इंडिया का मेजर एलाय हुआ करता था। सो इंडिया की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और सोवियत यूनियन के धीरे धीरे डिसॉल्व होने पर इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। और इसी बीच 1991 में दो मेजर इंसिडेंट्स हुए। पहला तो ये कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, मतलब कि जिन 15 रिपब्लिक से यूएसएसआर बना था वो वापस उन्हीं में ही डिवाइड हो गया। और दूसरा ये था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पास हो गए। अब ये दोनों इवेंट्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देने वाले थे। Well, अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आए कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी से इतना क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन? ये दोनों उतने क्लोज है एक दूसरे से जितने क्लोज शॉपिंग वेबसाइट्स और ऐप्स पर डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस होते हैं। आई नो आप सभी का एक्सपीरियंस मेरे जैसा ही रहा होगा। आज की तारीख में हम कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट प्राइस और उनकी क्वालिटी में हमें क्लिक बेट किया जाता है। मैं काफी दिनों से नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन लेना चाहता था लेकिन काफी सारे चॉइसेस के कंफ्यूजन में था। बट थैंक्स टू धनी वेबसाइट एंड ऐप और उनके हो रहे बचत वीक जो कि 23 जून से 30
जून तक है। यहाँ पर हमें 70% तक का डिस्काउंट देखने मिलेगा ऑन डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि ज़ेब्रोनिक्स के स्पीकर्स एंड ईयरफोन्स जो कि कम दाम में बढ़िया ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है सिर्फ 9 रुपए से। इन ऑफर्स के अलावा आप धनी प्लस मेंबरशिप को भी ले सकते हो सिर्फ 500 रुपए में, जिससे आपको 2N कैशबैक स्टोर डिस्काउंट के ऊपर साथ ही फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। इतना ही नहीं, धनी वेबसाइट और ऐप पर आपको देखने मिलेंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि मेंस, वुमेन फैशन, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग्स, ग्रोसरीज एक्सेट्रा है, जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी तक मिलेगा। सो रुके क्या हो, अभी चेकआउट करो धनी को एंड डाउनलोड द ऐप एज वेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर के पॉलिटिक्स से बचने के लिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था, और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और इंडिया का एलाय सोवियत यूनियन वॉज नो मोर, इंडिया को चीजें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ी। मतलब कि इंडिया ने अपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से हटकर दूसरे देशों के साथ ज्यादा एक्टिवली और बोल्डली घुलना मिलना शुरू कर दिया, और हमारे 1991 के रिफॉर्म्स ने ये करना और भी ज्यादा इजी बना दिया। क्योंकि जैसे ही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इनकी वजह से प्राइवेट कंपनीज के लिए बिजनेसेस को सेटअप करना, ग्रो करना काफी इजी हो गया। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी। एंड अगेन, एक बार जैसा पहले हुआ था, हमारी ये ग्रोथ को देखकर कई सारी कंट्रीज हमें एज अ पॉसिबल एलाय देखने लगी, और इसी वजह से इंडिया में FDIs यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, इकोनॉमी ग्रो करने लगी, और नतीजन पॉवर्टी भी काफी हद तक कम होने लगी। सो इन फैक्टर्स का मतलब ये था कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे करके स्टेबिलाईज हो रही थी, और उसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड थे। इनफैक्ट अगर किसी कंट्री का स्टेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है ना, तो वो ट्रेडिशनली अपने एनिमी नेशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जापान और चाइना को ही देख लो। जैसे कि आप लोग जानते हो उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन आज की तारीख में भी जापान चाइनीज इकोनॉमी में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यू नो, ऐसे दो देश जो हिस्टोरिक एनिमीज रहे हैं, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ही चाइना और जापान के संबंध बिगड़ते गए हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक लेवल पर इन दो कंट्रीज में आए दिन एग्रीमेंट होते रहते हैं। और ये सब किसकी बदौलत है? वेल, फॉरेन पॉलिसीज की बदौलत। एंड उसमें भी जो क्रूशियल फैक्टर है ना, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने में काम आता है, वो है पॉलिटिक्स। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी गल्फ या फिर मिडल ईस्ट के काफी सारे देशों को इंडिया से ज्यादा अमीर कंसिडर किया जाता है। बट यहीं पर आपको पता चलेगा कि अमीरी ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि इतनी रहीसी भी इन्हें इंडिया जितने आज तक अच्छे बॉन्ड्स नहीं दिला पाई, और इसके पीछे का मेन रीजन है वहां की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगर हम मिडल ईस्ट की हिस्ट्री को देखें, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूप से भरी पड़ी हुई है। इनफैक्ट मिडल ईस्ट तो फिर भी काफी दूर है, हम हमारे बैकयार्ड साउथ एशिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार ने मिलिट्री कूप्स को एक्सपीरियंस किया है, और फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, लेकिन इंडिया ने आज तक एक भी ऐसा मिलिट्री रूल एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड इस बात का क्रेडिट एंग्लो-सैक्सन मिलिट्री ट्रेडिशन को दिया जाता है, जो इंडियन आर्मी में पास हुआ था। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने मिलिट्री को हटाकर अपने सिविलियन अथॉरिटी के ट्रेडिशन को ज्यादा बढ़ावा दिया। बट यार, इंडिया के लैक ऑफ मिलिट्री कूप्स के लिए ये एकमात्र रीजन यूज करना एक फ्लॉड लॉजिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उन्हीं ट्रेडिशंस को इनहेरिट किया था। बट अगर हम डेटा को देखें, तो पाकिस्तान में आज तक 3 से भी ज्यादा कूप्स हो चुके हैं। Well, यहां पर इस मामले में हमें पाकिस्तान से डिफरेंशिएट करने का क्रेडिट जाता है नेहरू जी को, और ऐसा कहा भी जाता है कि नेहरू ने इंडिया को कूप प्रूफ बना दिया। और ऐसा उन्होंने किया कैसे? वेल, सिंपल, कुछ डिसीजंस और पॉलिसीज बनाकर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी से त्रिमूर्ति भवन लेकर सिविलियन यूज में डाल दिया, और फिर बजट कट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। मोरओवर, सिर्फ नेहरू जी नहीं बल्कि इंडिया में कांग्रेस और पॉलिटिक्स दोनों ही फाउंडेशनली स्ट्रांग और वेल एस्टैब्लिश थे, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना साहब तक ही लिमिटेड था। अब एक कंट्री के स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट का मतलब होता है वहां डेवलपमेंट और ग्रोथ भी स्टेबल रहेगा, और अगर स्टेबिलिटी की गारंटी होगी, तो ऐसे कूप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड ऑल्सो नेशंस अपने आप ही इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट्स भी बनाए रख पाते हैं। इनफैक्ट बनाए रखना तो छोड़ो, रिलेशंस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए इंडिया ने कई बार दूसरे कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड तक प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट इंडिया के 2022-23 फिस्कल ईयर में इंडिया ने भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान बनाया है,
और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने बस एक ही साल में 6,290 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इस प्लान में इंडिया सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को नहीं बल्कि अफ्रीकन, यूरेशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के भी डेवलपमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। वेल, ये तो हुआ इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एड का सिर्फ एक पहलू। इंडिया हमेशा से ही दूसरे कंट्रीज की मदद करने में आगे रहा है। अब चाहे वो COVID-19 पैंडेमिक में मास्क और वैक्सीन सप्लाई करना हो या फिर नेचुरल डिजास्टर में खाने और सप्लाईज की मदद करना हो। So yeah, हमने ये तो देख लिया कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दूसरी कंट्रीज इंडिया से रिलेशंस बना कर रखते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे एड्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स वो दूसरे बहुत ही कम कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जितना इम्पोर्टेंट रिलेशन बनाना होता है उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट उन रिलेशंस को मेंटेन रखना होता है। और इंडिया के ग्लोबल थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया को 2020 के डेकेड में फॉरेन रिलेशंस के कुछ एरियाज पर फोकस करना चाहिए। और अब अगर किसी कंट्री को अपने इंटरनेशनल सुधारने होंगे तो आप ही बताओ उसकी शुरुआत कहां से होगी। करेक्ट, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इंडिया के एक बड़े भाई के जैसे छवि होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है, क्योंकि चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज इन कंट्रीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। अब यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज या तो सिर्फ हमारे साथ या फिर इन दूसरे पावर्स के साथ ही रिलेशंस रखे, सब साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के इस मॉडर्न एज में ये जरूरी नहीं है कि कंट्री एक दूसरे के साथ या सिर्फ लड़ाई करे या फिर बस कोऑपरेट करे। और इस बात का प्रूफ हमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस में दिखता है, क्योंकि यूएसए के बाद चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बावजूद भी आज चाइना और इंडिया दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते हैं। अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवल पर यह इंश्योर करना होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, और ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन पर हमारा भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बन रहा है। वेल, और इंडिया के लेवल पर आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? सबसे पहले तो पॉलिटिक्स की इस गेम में क्या इंडिया वाकई में अपने अभी एग्जिस्टिंग एलाइज जिसकी यूएस पर भरोसा कर सकता है? एंड सेकेंडली, क्या इंडिया वाकई में हमारे नेबरिंग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस होने से रोक सकता है, especially when we have Pakistan and China on the other side? Well, आपको क्या लगता है अपनी राय को नीचे comment section में बताना, but at least ये video देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि India की position definitely काफी privileged position है जो हमारी सालों की मेहनत का नतीजा है। And to be honest, दूसरे countries इस position पे definitely आना चाहेंगे। So, let's just hope कि India इस position को maintain रखता है। और अगर इस video से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।